Hey everyone, welcome to Biology 80s. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टडी वन चैप्टर इन वन आवर. एक घंटे में कैसे एक चैप्टर को फटाफट से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ आप उन्हें अच्छे तरीके से फॉलो कर सके और जैसे जैसे आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं आप जल्द से जल्द ये ट्रिक सीख सके, जिसके वजह से एक घंटे में आप आराम से एक चैप्टर पढ़ सकते हैं. तो चलिए, वन चैप्टर इन वन आवर करने के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, किन चीजों को ध्यान में रखना है ताकि आप एक घंटे में एक चैप्टर इजीली पढ़ सकें. ठीक है, अब जो आपका वन आवर होता है, वन आवर यानी कि 60 मिनट्स, यानी कि आपको इन 60 मिनट्स को कुछ ऐसे यूटिलाइज करना है, कुछ ऐसे डिवाइड करना है कि आपके हर एक मिनट अच्छे से यूज हो सके. इन 60 मिनट्स में से कोई भी बीच में मिनट ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसके वजह से आपको लगे कि टाइम वेस्ट हो गया है. ठीक है, तो वन चैप्टर इन वन आवर करने के लिए मैंने आपके 60 मिनट्स को, वन आवर को चार स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ योर 60 मिनट्स, नेक्स्ट 15 मिनट्स, उसके बाद 25 मिनट्स एंड 10 मिनट्स. तो मैंने क्या किया है, आपके वन आवर को चार पार्ट्स में डिवाइड किया है. इन चार पार्ट्स को आपको यूटिलाइज करना है और आपका इजीली एक चैप्टर एक घंटे में कंप्लीट हो जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं जानना कि कैसे आप एक घंटे में फटाफट से पूरा चैप्टर कर सकते हैं. अब देखिए, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आपके 60 मिनट सपोज स्टार्ट हो गए हैं, अब आपको क्या करना है, आपने सपोज चैप्टर नंबर ए पढ़ना शुरू किया है, उस चैप्टर ए का आप क्या करेंगे, सबसे पहले समरी पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स आपके 60 मिनट्स में से, शुरू के 10 मिनट्स आपने क्या करना है, उस सब्जेक्ट की, उस चैप्टर की समरी पढ़नी है. तो आपने 10 मिनट्स लगाए समरी पढ़ने में. नाउ नेक्स्ट 15 मिनट्स विल बी रीड एंड मार्क टाइम. आप क्या करेंगे, शुरू के 10 मिनट आपने समरी पढ़ ली है, अब आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट आपके 15 मिनट्स है इसमें आप पूरे चैप्टर को फटाफट से रीड करेंगे और रीडिंग करते हुए जो जो लाइंस आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट होंगी, पहला जो कि हाईलाइट करी हुई होंगी आपके बुक में, बोल्ड लेटर्स में लिखी होंगी या फिर इटैलिक्स में लिखी होंगी, जिन लाइंस में फुल फॉर्म, डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स ये सब दिए होंगे, उन सबको आप अंडरलाइन करते जाएंगे. तो पहले के 10 मिनट आपने चैप्टर की समरी पढ़ी, नेक्स्ट 15 मिनट्स आपने पूरा चैप्टर फटाफट से रीड किया और रीड करते हुए आपने इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क किया. अब ये 15 मिनट्स भी हो गए हैं, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 25 मिनट्स. अब देखिए आपने यहां से क्या किया है, 25 मिनट्स यूज कर लिए हैं, 10 मिनट्स आपने यहां पे लिए समरी पढ़ने के और नेक्स्ट 15 मिनट्स अब आपने ले लिए हैं रीड एंड मार्क के. अब आपके पास है नेक्स्ट 25 मिनट्स. नेक्स्ट 25 मिनट्स आप क्या करेंगे, यू विल री रीड द कॉन्टेंट. आपने अभी जो रीडिंग करी थी 15 मिनट की, फटाफट से इसको री रीड करेंगे और री रीडिंग के टाइम पे आपको क्या करना है, हर एक लाइन को नहीं पढ़ना है बल्कि सिर्फ उन लाइंस को पढ़ना है जिनको आपने 15 मिनट्स के टाइम पे मार्क करा था कि ये लाइंस इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट 25 मिनट आपने क्या किया, री रीड किया अपने इंपॉर्टेंट लाइंस को और उसके बाद जो आपके लास्ट 10 मिनट्स हैं उसमें आपने इन इंपॉर्टेंट लाइंस को जिनको आपने यहां पे पढ़ा था उनको रिवाइज करना है. सो दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज 60 मिनट्स और आप एक चैप्टर इजिली कंप्लीट कर सकते हैं. 60 मिनट्स को चार पार्ट्स में डिवाइड करिए, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 25 मिनट्स एंड लास्ट 10 मिनट्स. शुरू के 10 मिनट्स आप चैप्टर की समरी पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स आप पूरा चैप्टर फटाफट से रीड करेंगे, नेक्स्ट 25 मिनट्स आपने रीडिंग करते हुए जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क करी थी उनको दोबारा से पढ़ेंगे, समझते हुए उन्हें पढ़ेंगे और लास्ट के 10 मिनट्स यहां पे आपने जो इंपॉर्टेंट लाइंस को रीरीड किया था उनको रिवाइज करेंगे. तो अगर आपको लगा ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल थे, जरूर ट्राई करिएगा, ट्राई करके देखिएगा. इन टिप्स और ट्रिक्स का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि स्मार्ट स्ट्रेटजी, स्मार्ट स्टडी टिप्स ही आप फॉलो करके कम से कम टाइम में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. तो इस वीडियो में जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं उनको जरूर फॉलो करिएगा. अगर आपकी हेल्प हो पाई तो मुझे बेहद खुशी होगी. तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू बायोलॉजी 80s फॉर द अपकमिंग वीडियोस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. थैंक यू.